तो गाइस आज मैं बना रही हूँ दुनिया की सबसे बड़ी रोटी। गाइस हमने सिक्स रेड लिया और इसमें पोटैटो मसाले मिक्स करके चार मसाला और अमचूर पाउडर थोड़ा सो है गाइस, राधे राधे, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो गाइस, न्यू चैनल, न्यू वीडियो। तो गाइज मेरा चैनल डिलीट हो गया, मैं इसलिए हर ब्लॉग में बोलती हूँ क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरा चैनल पुराने वाला डिलीट हो गया जिसमें मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर थे। व्हाट डू यू मीन गाइज, यू आर चड्डी पहन के माई ब्लॉग में आए? जाओ हटो। तो गाइज यहाँ भैया मेरे हो रहे हैं रेडी स्कूल के लिए, क्योंकि आज है, आज है दोनों लोगों का पेपर और साथ में दोनों लड़ाई भी कर। कौन है? तो गाइस बेबो भैया हो रहे हैं रेडी और मैं बेबो भैया तो लंच लेके जाता नहीं क्योंकि 12 बजे छुट्टी हो जाती है। तो बेबो बेबो बताता हूँ कि आज जो है ये पेपर है, ठीक है, जो भी होगा। और भैया बेबो तो लंच लेके जाती है तो मैं बेबो के लिए सैंडविच बना रही हूँ। तो बेबो बोली आज ग्रीन सैंडविच मतलब वेजिटेबल वाला नहीं ले जाएगी, आज पोटैटो का ले जाएगी। तो मैं फटाफट आप लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है। मैंने सिक्स रेड लिया और इसमें पोटैटो मसाले मिक्स करके चार मसाला और अमचूर पाउडर थोड़ा हल्का हल्का। याद रखते मैं डालती हूँ लेकिन आपने नहीं डालने क्योंकि एक अदरसी मैं प्याज और लहसुन यूज नहीं करूँगी, तो इसलिए मैंने प्याज लहसुन इसमें नहीं डाला है कुछ। नहीं तो मैं चावल भी हमारे एक अदरसी नहीं बनता है, तो आज मैंने इसमें प्याज लहसुन कुछ भी नहीं डाला है। अब वो टमाटर खाती नहीं, प्याज खाती है, तो प्याज मैंने डाला नहीं क्योंकि आज एक अदरसी है। तो सिंपल से बना देती हूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। भाई देखो का फेवरेट है ये, मैंने आलू वाला था सुबह उठ के, मैंने सोचा मैं आलू के पराठे बना दूंगी। तो बेबो उठी तो बोली मेरे पराठे नहीं ले जाना, मैं सैंडविच ले जाऊंगी। तो मैंने बोला ठीक है, मेरे को तो आराम है। ये गाइस देख रहे हो ना, बस इसको मैं फर्स्ट क्लास तवे पे सेक देती हूँ। जैसे बात करते करते मैंने एक सैंडविच तो सेक दिया, मैंने दिखाया नहीं आप लोगों को, मैं दूसरा दिखा देती हूँ। एक तो सेक गया फिलहाल। तो गाइस यार मैंने तवे पे थोड़ा सा तेल डाल दिया, आप बटर में सेक सकते हो, लेकिन मेरे घर अभी बटर नहीं है तो मैं तेल में ही सेक दे रही हूँ। रिफाइंड ऑयल है ये, आप किसी भी ऑयल में सेक सकते हैं। वैसे सरसों तेल में तो पीला पीला लगता है, इसीलिए मैंने रिफाइंड में इसको रखा है क्योंकि मेरे घर बटर नहीं है आज, गाइस ख़त्म हो गया है। इसको अच्छे से दबा दबा के क्रिस्पी सेक दो, मज़ा आता है खाने में। प्याज टमाटर सारी खीरा वेजिटेबल डाल के पोटैटो में मिक्स करके मस्त जो है ये देखो हो गया ना। ऐसे इसको दोनों तरफ पलट पलट के क्रिस्पी सेक लेना है, उसके बाद लंच में पैक करती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो आज अपनी सैंडविच तो हो गई रेडी, इसको कट कर देते हैं। मला आया क्या मुझे पता नहीं, अभी मैं बाहर दे रही हूँ। ओके अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है पाड़ी जी, मैंने सीख दी खाएगी भाई। कैसे इसको इसमें रखने बड़ी दिक्कत होती है, मैं चार तो आने वाला है नहीं, मेरे को बोल रही मैं चार ले जाऊँगी, मेरे को तीन ले लेते हैं और इसमें स्वाद डाल देती हूँ। अपना लंच हो गया रेडी, इसको मैं कट कर देती हूँ, ठीक है। चलो मैं आ रही हूँ, तो कहते मैं पहले इनको छोड़ के आती हूँ, मैं बहुत तैयार कर देती हूँ, ले छोड़ी हूँ, उसके बाद ले जवाब मुझे। तो गैस भैया को छोड़ के आने के बाद मैं तो लग गई घर के काम में। अब तुम यहाँ बैठोगे? मैं तो करने लगी घर का काम, और अभी मैंने किचन में चढ़ा दिया है चाय और अब चल रही हूँ। ये देखो उनको अपना सारा लेके घर की रस्ती यहाँ आ गए। अब यहाँ मैं कोई वीडियो जब देखती हूँ तो इनको होती है दिक्कत, और इसीलिए मैं सोचती हूँ ये अंदर कमरे में ही रहे। अभी ठीक है, चल देगा, मूँगफली भून देते हैं और थोड़ा सा बर्त वाला चिप्स पाड़ो जी के लिए तल दूंगी। और ये रहा सेंधा नमक की पैकेट, जो कि नमक खत्म हो गया तब मैं अभी अभी ले आई हूँ। ये है सेंधा नमक, क्योंकि ये देखो दिख रहा है, ये देखो, क्योंकि हमारे यहाँ वो नॉर्मल वाला नमक हम लोग नहीं खाते, सेंधा नमक खाते हैं, थोड़ा सही रहता है बीपी वीपी के लिए। तो ये है, तो ये सब ले आई हूँ। तो मैं फटाफट मूँगफली भून लेती हूँ, चिप्स भून लेती हूँ, उसके बाद चाय के साथ मिलती हूँ आप लोगों से। आप लोग भी चाय की चुस्कियाँ ले लेना पांडे जी के साथ बैठ के, ठीक है। अपनी चाय और
सब कुछ हो गया रेडी, तो पाड़े जी को दे देती हूँ सबसे पहले चाय। तो यहाँ मैंने रेडी कर दिया है पाड़े जी के व्रत वाला ब्रेकफास्ट, आप लोगों को दिखा देती हूँ। मखाने मूंगफली सबसे बड़ी खराबी है कि बदल ना सकते, हाँ ऐसे नहीं होता, घुमाना पड़ता है, ऑप्शन नहीं है भाई। पाड़े जी कह रहे हैं ओपन कैमरा में, तो जैसे इंस्टाग्राम में हर जगह होता है फ्रंट का बैक कर दो, वैसे क्यों नहीं होता, लेकिन यहाँ नहीं होता। तो दोस्तों कुछ खा पी लिया जाए, तो भाई फिलहाल हो गया चाय तो मैंने पी लिया, और चाय पीने के बाद तुरंत हो गया भैया बेबो को लाने का टाइम। तो पाड़े जी तो चाय पी के अंदर आराम कर रहे हैं लाइट वाइट बंद करके, और फिलहाल अभी टाइम हो गया, और आज का मौसम तो गाइस कतई लाजवाब है बाहर का। तो जो चलते हैं पहले भैया बेबू को लेके आते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है, नहीं तो बेबू खड़ी रहती है तो थक जाती है। तो बेबू को लेके आते हैं भैया को, फिर चलते। वो बेबू ने खरीद के मेरे को क्या दे दिया, ये बेबू खुद भी पी रही है। और चलो गाइस चलते हैं हम लोग अब घर। स्कूल से आने के बाद मैंने यहाँ लगा दिया भैया खाना, जिसमें दही है, हरी सब्जी और घेले की मस्त रोटी और मखाने, और यहाँ भैया लग रहा है लपेटने, और बेबो तो अपना मखाने खा रही है, सैंडविच खा ली अपना। बेबो अच्छा मजा आ रहा है, आज का दिन मेरे लिए बहुत लकी होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि मखाना मिल गया ना। हाँ आज आते ही क्या क्या, मम्मी फ्रिज में मेरा वो रखा है पेपर बोर्ड, मुझे वापस दे दो, उठ के ले लो। कैसा लगा? तो गाइस भैया को खाना खाने देते हैं। बहुत अच्छा, ये देखो गाइस, ये देखो कलाकारी, ये देखो। तो गाइस मैं दिख रही हूँ आप लोगों को, हमारे यहाँ लाइट नहीं है गाइस, जो अंधेरा आप लोगों को दिखाऊं, ये देखो, देख रहे हो बिल्कुल अंधेरा होगा क्योंकि इन्वर्टर की बैटरी जा चुकी है। तो मुझे लगता है इन्वर्टर में बिल्कुल भी पानी नहीं है, शायद इसीलिए बैटरी उसकी बिल्कुल भी नहीं चल रही है। तो अभी तो इन्वर्टर की बैटरी अभी तो नहीं लाएंगे, तो अभी चलते हैं पहले इन्वर्टर का पानी लाते हैं भाई। तो चाय वाय पी के तो सुबह से हम लोग आराम ही कर रहे हैं, तो कहीं गए नहीं, तो कोई ब्लॉग बना नहीं, क्योंकि बारिश हो रही थी तो कहीं जाना हुआ नहीं, तो कोई ब्लॉग भी नहीं बना। और अभी चलते हैं इन्वर्टर का पानी ले आते हैं, तो आप लोगों को दिखाते हैं बाहर का मौसम। भाई यार तो कती ठंडा हो रहा है बाहर, कती। और ये देखो, ये दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है ना, पसीने हुए हैं, पसीने। तो गाइस चलते हैं बाहर, पहले इन्वर्टर का पानी ले आते हैं। दुकान तो बंद हो गई है, पानी मिलने का बहुत, कहीं चलते हैं, ये देखो इधर सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं, क्लोज हो गई हैं। आगे चलते हैं कहीं, देखते हैं पानी मिलता है क्या नहीं। आज बहुत कीचड़ हो गया बारिश की वजह से, ये देखो बंद हो। फिलहाल लाइट आ चुकी है, क्योंकि हमने जो है पानी तो एक दुकान पे मिल गया था, पानी ला के पानी तो मैंने खरीद लिया, फिर मैंने सोचा पानी क्या डलवाना, लाओ बैटरी चेंज करवा देते हैं, एक ही बार में झंझट खत्म हो जाता है। तो उनके पास बैटरी बढ़िया रखी थी, तो मैंने अल्ट्रा की बैटरी इन्वर्टर में लगवा दिया, तब फर्स्ट क्लास इन्वर्टर चलने वाला है अपना, क्योंकि नई बैटरी लग गई तो पानी तो डालना नहीं पड़ा, क्योंकि बैटरी नई थी तो हमने रख दिया है, वैसे पानी काम आ जाएगा 4-6 महीने। मैंने उनसे पूछा भैया से, तो उन्होंने बताया कि पानी कभी ख़राब नहीं होता, तो पानी आप यूज कर सकते हो कभी भी। तो पानी खरीद ही लिया था, तो पानी तो मैंने वैसे ही रख दिया घर पे लाके, और फिलहाल अभी बैटरी नई चेंज करवा दी है, झंझट खत्म एक ही बार में। अपना काम तो ऐसे ही रहता है अचानक वाला, ठीक है। हाय गाइस, सबके चैनल से हैं इनके, हैं इनको आप पहचान रहे होंगे, इनका जो है चैनल। हाय गाइस, राधे राधे। पापा, मेरी हरकतों से मतलब, मेरी हरकतों से मतलब, मैं भी चलूंगा है ना, नाइन साफी है ये, कुछ बढ़िया से लेके आना। गाइस पाड़े जी मेरे से लड़ते लड़ते, देखो कैसे मुंह बना के हंस रहे हैं, मेरे से लड़ाई करते करते पहुंच गए मंदिर, तो चलो भगवान का दर्शन करते हैं लड़ने के बाद। जवान युद्ध बहुत करते हैं पाड़े जी, मैं नहीं बिल्कुल सुनती है, बहुत ध्यान लगा के देख रहे हैं, ये लड़ने झगड़ने की बात कर रहे हैं। ये देखो दिए दो रख दो, चलो भाई जी हाँ। तो पूजा पाठ चल रहा है बहुत तगड़ा वाला, ये पहले पीछे शनि मंदिर है, तो चलते हैं पहले शनि भगवान का दर्शन करते हैं। वो देखो तो
हो गए। ये लो आप लोग भी दर्शन कर लो शनि भगवान का। तो गाइस पहले दिए जला देते हैं, ठीक है, जल्दी करो। आए थे पिज्जा लेने बेबो के लिए, पाड़े ये तो इतना मतलब इतना कंजूस इंसान, लड़ाई करते जा रहे करते जा रहे। ठीक है, जब पिज्जा आ जाएगा घर पे। फाइनली मैंने पाड़े जी से पैसा दिलवा ही दिया। पाड़े जी का पैसा तो जल्दी निकलने वाला होता नहीं है, लेकिन आज तो मैंने निकलवा दिया पाड़े जी से। उनको हमारे ये राधे राधे की स्टॉल से बड़ी प्रॉब्लम है, करें इसको क्यों ओढ़ती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। मैंने बोला मुझे तुम भी तो नहीं पसंद हो तो क्या करूँ, पर हर चीज़ पसंद की ही थोड़ी होती है। आ रहे ये रहे। इस स्टॉल से इनको बहुत चुभती है ये, और मेरे को इतना मुलायम है कि मुझे बहुत पसंद है। हाँ करे पोछा जैसे, राधे राधे की स्टॉल है, पोछा बता रहे हैं। नजर आ रहा है? हाँ तुमको नहीं आ रहा, दिल से देखो नजरिए को। भी तुम्हारे पास पीले और अच्छे अच्छे नहीं देखा, तुम्हारा नजरिया सही नहीं है ना, नजरिए को बदलो, क्योंकि मैं तो बदलने वाली हूँ नहीं। उल्टा सीधा खड़ा कर देते हैं, कोई काम ऐसा नहीं है जो ढंग से करें। आ रहा है पिज्जा, मैंने बोल दिया, ठीक है। कहाँ गया भैया? और कितनी देर लगेगी पिज्जा आने में? अरे तो इसीलिए तो मैं चली आई, वो बोला थोड़ा 10-15 मिनट लगेगा, तो मैं घर आ गई अभी अभी लाके। मिनट ना, घंटे तो नहीं ना? नहीं घंटा नहीं, अभी ला, अभी आ रहा है। हाँ अभी आ रहा है, तो गाइस मेरी और पाड़े जी की आते आते रास्ते में हो गई एक प्रकार लड़ाई बढ़िया वाली। पाड़े जी सोचते हैं कि रोज डेली इम्पोर्टेंट सूट ही मैं पहनूं, ऐसा होता है क्या? आप लोग बताओ जो घर में रहता है। और ये भी मेरा सूट है, कितना अच्छा है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, उनको पसंद नहीं है। फालतू कह रहे हैं तुम्हारा सूट नहीं अच्छा है, तो तुम्हारी जैकेट नहीं अच्छी है, तो ये है वो है, ऐसे फालतू लोग फालतू बातें। मैं तो किसी की बातों का ध्यान भी नहीं देती, लेकिन मैं गुस्सा बहुत आता है। आप गाइस बचा है घर का काम, किचन साफ करना, बर्तन धोना। पाड़े जी कुछ खाएंगे तो बनाना भी पड़ेगा। मैं तो मेरा अकेले का हूँ, तो मैं तो कुछ ना खाऊँ ऐसे ही लेट के सो जाऊँ, क्योंकि मेरा तो कुछ करने का मन नहीं, मैं तो थक गई सही बताऊँ तो। लेकिन देखती हूँ क्या बनाती हूँ, बनाऊँगी कुछ तो दिखाऊँगी, नहीं तो नहीं दिखाऊँगी। तो हम ब्लॉग को आज को यही विराम देते हैं, और कल सुबह मुलाकात फिर से नए दिन की शुरुआत करेंगे। अभी इसमें एडिट वगैरह करना है, तो काम कर लिया जाए, समय से सोया जाए। और ये सीनम ब्लॉग, सीनम ब्लॉग वाले पीछे पड़े हुए हैं हमारे ब्लॉग के पीछे, अभी लड़ने तो पड़े। तो गाइस देखो कैमरा ऑन करा नहीं है, और इतनी देर से बोले जा कैमरा ऑन। आज का ब्लॉग यही समाप्त करते हैं। काबे अरे सीनम ब्लॉग वाले जो कैंडिडेट है हमारे चैनल के पीछे पड़े हुए हैं, तो कैसे अभी तक चैनल ऑन कैमरा ऑन करे नहीं थे, तो उनका चैनल जो है डिलीटेड ऑलरेडी। हमें आधे कैसे बोल रहे हैं, घर में ही दुश्मन, घर में अच्छा काम करेंगे तो लोग पसंद करेंगे, कोई स्ट्राइक नहीं मारे, किसी कॉपी क्यों करना है, ठीक है। हम तो तुम भी कॉपी दी हो, ये दाढ़ी तुम्हारी पर्सनल कटिंग है, हाँ तो हमारा है ना, इसमें क्या कॉपी किया, कोई कॉपी तो मैं भी अपने फोन में किसी की भी कॉपी कर सकती हूँ। देखो मेरा चश्मा क्यों लगा, मैं तो कुछ भी कर सकती, मेरी मर्जी। तो फालतू बात करने देते हैं, और हम लोग अभी हमारा पिज्जा आने वाला, तो मैं आज पिज्जा तो कहीं जैसे मेरे दिन जा रहे ना अच्छे वैसे, मैंने सब्सक्राइबर भी बहुत ज्यादा तगड़े वाले कर दो, वैसे जिस हिसाब से तो मेरे दिन जाने मैंने सब्सक्राइबर 10 मिले होने चाहिए, बट नहीं है, नहीं लाया। अब कहाँ जाता हूँ उतनी रात में, लाया हूँ, फालतू मत बोल दो, अभी दिखाऊँ आपको, मारूँ दिखाऊँ, दिखाता हूँ उनको। तो गाइस उन्होंने मेरे को कर दिया अंडर एस्टिमेट, तो सबसे पहले अरे ये रखी ढोलची, देखो गाइस आ थारा भाई जोगिंदर, ये तो नहीं पता कितना मिलता है दूध वहाँ से, मैं आपको दिखाता हूँ, मुँह में पकड़ लेता हूँ। हम्म,
तो क्या देखो मुँह में मैंने कैमरा पकड़ के तो ये खोल तो दिया, चलो इसको मम्मी खड़ी खा के लाते हैं। बातें करने देते हैं और अभी पिज्जा आएगा तो मैं बहुत दिखाऊंगा। पिज्जा आ चुका है और फटाक से हम लोग खा लेते हैं अपना लंच, क्योंकि मेरे को बहुत ही तेज से भूख लग रही है। सवर नहीं व्लॉग बनाओ व्लॉग बना तो गाइस आज मैं बना रही हूँ दुनिया की सबसे बड़ी रोटी, जो कि मैंने बेलना शुरू कर दिया। तो मैंने चकले से बड़ा तो बेल ही दिया और अभी इसको और बड़ा बेलती हूँ, उसके बाद पका के दिखाती हूँ। तो गाइस मैंने सोचा था कि पाड़े जी अब इस टाइम कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन इनको जो है भाई साहब मतलब बोलते दूसरे को इतना समझाते हैं कि ज़्यादा नहीं खाते और कम नहीं खाते। और इनको देखो, मैंने सोचा अब खाएंगे नहीं, अभी देखो 10 बज रहे हैं, अभी इन्होंने आलू बनवाया, मूंगफली, मखाने और चिप्स, और आप खाएंगे तब इनको नींद आएगी। हेलो व्रत हो तुम, और क्या खाए, यही तो सुबह से 10 बार खा चुके तुम, दिन भर खा रहे हैं, व्रत है झूठ मूठ का। चाय वाय नहीं, अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा, उसके बाद पानी पीना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस दुनिया की सबसे बड़ी रोटी तो भैया ने खा के दुनिया की सबसे छोटी रोटी कर दी, और मैं भूल गई क्योंकि मैं भी अपना आलू खा रही थी व्रत का, और उसी चक्कर में मैं भूल गई, मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं। तो गाइस फिर कभी बनाएंगे तो आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी मैं कि दुनिया की सबसे बड़ी रोटी, मैंने अपने तावे से बड़ी रोटी बनाया था, और मैंने इसको ऐसे गोल गोल करके बड़ी मुश्किल से बड़ी देर तक मैंने इसको सेक सेक के पकाया। तो फिलहाल जाओ, आप लोगों ने मिस कर दिया, अब क्या ही करूँ। अभी सबका खाना पीना हो चुका और अभी बच चुके हैं रात के 10:30, 5 मिनट ज़्यादा ही हो रहे हैं। तो बिलाल इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप सो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारा डेली लाइफ ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है, और जो नहीं अच्छा लगता वो बताना, हम सुधार करेंगे उसमें वीडियो में। तो आप लोग ज़रूर कमेंट किया करो, अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर अपने प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं गाइस कल की वीडियो में, तो बाय बाय। अगर और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पे क्लिक कर देना, क्योंकि ऑल पे क्लिक आप लोग नहीं करते तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं जाता। सुनाई नहीं दे रहा ब्लॉग बनाने में कुत्ते, ये रिकॉर्ड करना चाहिए, रिकॉर्ड है और डालूंगी भी, डाल देना। तो गाइस मैं तो ब्लॉग बना रही हूँ, यहाँ वीडियो चला के देख रहा है। तो गाइस फिलहाल तो इस ब्लॉग को यही पेंट करते हैं और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। बाय, गुड नाइट, ओके। जिसने भी तेरा नाम लिया उसे खाना तुमने थाम लिया, जिसने भी तेरा नाम लिया उसे खाना तुमने थाम लिया, जिसने भी तेरा नाम लिया उसे खाना तुमने थाम लिया। ऐसा दिन कोई होगा नहीं जो एक पल